हे गाइस, आज मैंने बनाए हैं ये पफ्स। ये देखो, इनमें स्टफिंग भी कितनी और कितना चीज़ ऐसे भरा हुआ है। तो गाइस, कितने अच्छे से सॉफ्ट ये टूट कर देखो, ये रेडी हुए हैं मेरे पफ्स। और तो चलो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका केसर की रसोई चैनल में। तो आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड या डोमिनोज स्टाइल चीज़ी पफ्स विथ स्टफ्ड वेजिटेबल्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले ये मैंने ले लिया है 200 ग्राम मैदा। अब इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर। गाइस, बेकिंग पाउडर ही लेना है इसके लिए। और ये मैंने थोड़ा, मैं इनको क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ, तो ये मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल। और ये देखो, जब तक पूरा आटा आपको ऐसे इसमें ऑयल आ जाए, आपको दिखे, तब तक इसको हाथों से मसल के ऐसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखो कितने अच्छे से इसमें आपको दिख रहा है कि पूरे आटे में ये ऐसे ऑयल का टेक्सचर आ गया है। और अब हम इसमें वाटर ऐड करके डो को अच्छे से सॉफ्ट होने तक, और इसमें गाइज हम मैदा ले रहे हैं, तो मैदे को हमें थोड़ा अच्छे से चला के डो को प्रिपेयर करना होता है। ये देखो, थोड़ा इसे पीटना भी पड़ता है आप इसे करेंगे तो। और ये सॉफ्ट डो होने तक, ये देखो सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। तो सॉफ्ट होने तक आप फिर इसे एक वेट कॉटन का क्लॉथ लेकर इसको रेस्ट करने देंगे 20 से 30 मिनट, या जब तक हमारा सॉस और हमारी स्टफिंग प्रिपेयर होती है। तो ये उसके लिए मैं ले रही हूँ 6 to 8 मैंने क्लर्स, इनको मैं स्मॉल मैंने चॉप कर लिया, एक अनियन को चॉप कर लिया है। और गाइस, सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये बटर। बटर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे इसमें। ये मैं एक देखो स्मॉल एक अनियन को फाइनली चॉप कर रही हूँ। गाइस, आप सॉस बनाने के लिए फाइन चॉप्ड अनियन लेंगे तो ये अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका सॉस का ऐसे बिल्कुल होमोजेनियस सा टेक्सचर आना चाहिए, उसमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आने चाहिए। ये गार्लिक, इसके बाद मैं इसमें जिंजर ऐड कर रही हूँ गार्लिक के बाद। इससे ये गार्लिक और जिंजर दोनों का ही बटरी, ऐसे गार्लिक बटर एक तरह से आपका प्रिपेयर हो गया है पिज़्ज़ा स्टाइल। अब ये हम इसमें देखो, ये कितनी फाइन है मेरी, फाइनली चॉप्ड है अनियन। तो ये फाइनली चॉप्ड अनियन लेकर अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से सॉर्ट करेंगे। ये देखो, इस गाइस बटर ऐड, वैसे आप इसमें ऑप्शनल ऐसा कुछ नहीं है, अगर लॉकडाउन में आपके पास बटर नहीं है तो आप इसको किसी घी में या आपके पास जो भी ऑयल है उसमें भी बना सकते हैं। उस गार्लिक से आपका अच्छा फ्लेवर वैसे भी आ जाएगा। ये देखो हमारी सॉर्ट हो गई है हल्का, कितना अच्छा सा हल्का ब्राउन इनमें कलर आ गया है प्याज में। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सॉस बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट चाहिए हमारा टोमेटो। तो मैंने बस टोमेटो को 2 पीस में कट कर लिया है। गैस, जितना भी आपको चाहिए, मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, इनको 2 पीस में कट करके ये देखो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ये ऑयल में ही इनको बटर में मतलब हमारा प्रिपेयर हो। ये मैं थोड़ा इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि सॉल्ट से क्या होगा, ये जल्दी कुक हो जाएंगे। अब ये सॉल्ट ऐड करने के बाद थोड़ा इसको मिक्स करेंगे सॉल्ट को हम पूरे उसमें, और इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। तो गाइज, हम लॉकडाउन में जो भी घर पे हैं या बच्चों को भी कुछ खाने का मन करता है, तो हमें वीक में एक दिन अपना इस तरह का फूड खाने के लिए भी ऐसे टाइम रखना चाहिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हर तरह की ज़रूरत मतलब आदत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वीक में एक दिन हम सेट करके कोई भी इस तरह का फूड खा सकते हैं, तो हम हमारी बॉडी को इतना नुकसान भी नहीं होगा। एक दिन आप और आपका टेस्ट की भी जो आपकी क्रेविंग होती है वो पूरी हो जाएगी। और आप वीक में आप बिल्कुल ही ऐसे सोचेंगे कि हमें नहीं खाना है, तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप वीक में एक दिन का ब्रेक दे देते हैं तो चीज़ें मेंटेन करनी ईजी हो जाती है। देखो, मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको ढक दिया 4 से 5 मिनट तक, उनको कुक होने देंगे। टिल देन ये देखो मैंने अपनी स्टफिंग के लिए वेजिटेबल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। मेरे पास अभी लॉकडाउन में सिर्फ ये थी। ये देखो हमारा ये रेडी हो गया है, और ये मैं इनकी स्किन उतार रही हूँ गाइज, क्योंकि इस मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया करके इसको ढक दिया था, तो स्टीम से बहुत इजीली इनकी स्किन उतर जाती है। और ये स्किन उतरने से टोमेटो का अब हमारा सॉस अच्छे से प्रिपेयर होगा। ये देखो कितने अच्छे से उतर रही है, मैंने सबकी स्किन उतार ली है। अब मेरे पास, अगर आपके पास मैशर है, मेरे पास तो पाव भाजी मैशर या जो भी मैशर आता है, मेरे पास भी मैशर भी नहीं है, तो ये मैं इसको अपने इसी से स्पून से वुडन स्पून से मैश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, देखो इससे भी अच्छे से मैश हो गया है, इससे भी ये बन जाएगा ठीक से। और आफ्टर ऑल हमें इसको स्टफिंग में ही करना है, तो ऐसा नहीं है ये लिक्विड। तो गाइज, कई बार हमें जुगाड़ भी करने होते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से ही एक अच्छा फूड बनाने की कला भी वो मानी जाती है, कि हमारे पास जो अवेलेबल फूड्स हैं, अवेलेबल सॉरी जो रिसोर्सेज हैं, उनको ही इस्तेमाल करके हम बनाएं।
तो ये देखो कितना सॉफ्ट सा। ये अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने एक इसमें शुगर ऐड की है, और ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। यहाँ पे गाइस मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, इससे हमारे सॉस का ये देखो थोड़ा रेड कलर का अच्छा सा, मतलब रेड कलर आ जाएगा और थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसमें अपने मसाले। तो उसके लिए गाइस देखो हमारी, क्योंकि आउटर कवरिंग में हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया, तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग में ही अच्छे से होने चाहिए। ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो। आपके पास भी, ये मेरे पास एक डोमिनोज की और दूसरी एक मैंने वैसी ऑरिगेनोज खरीदी हुई है वो ऐड किया। ये मैं इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास हैं तो ऐड कर लो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पिज़्ज़ा स्टाइल में बना रहे हैं तो ओरिगेनो से बहुत अच्छा है इसमें ये, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपने घर पे बनाया, अच्छा फ्लेवर आ जाता है डोमिनोज का। ये मैं एक प्याज कटा हुआ मीडियम साइज़ है, देखो मैंने प्याज ऐड किया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये मैं कैप्सिकम है मेरे पास एक, और ये है मैंने फ्रोज़न मटर बना के रखे हुए हैं गाइस। अगर आपको ये, मैंने इजीली, मैं क्या करती हूँ सीजन के लास्ट में ये मटर को खुद ही प्रिपेयर करके फ्रोजन मटर्स में रख लेती हूँ, और ऑलमोस्ट पूरे साल बहुत इजी तरीका। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको फ्रोजन मटर घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। मैंने थोड़ी इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, ब्लैक पेपर से भी पिज़्ज़ा का इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए हमारी ऑलमोस्ट गाइज, ये जो स्टफिंग है इसका हमें पानी पूरी तरह से जला लेना है, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग करनी है। तो ये देखिए, और थोड़ा सा मैं इसमें ये पानी ऐड करके पकने दे रही हूँ, लेकिन लास्ट में हमें स्टफिंग करने से पहले इसके पानी को जला लेना है। ये देखना ऑलमोस्ट हमारी स्टफिंग जो है ये रेडी हो गई है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये एक क्यूब रखा था चीज़ का, मुझे ब्रोकन मोजरेला चीज़ तो मेरे पास नहीं है, और ये एक चीज़ स्प्रेड है, तो मैं इसी को थोड़ा एक एक क्यूब से और थोड़ी चीज़ स्प्रेड ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ चीज़ स्प्रेड है तो आप जैसे डो को रोटी बना के उस पे पहले चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं और फिर अपनी स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा ऐड करना, क्योंकि चीज़ स्प्रेड को ऐसे ऐड करना ऑल तो हो भी जाएगा, बट आप स्पून से भी ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए ऐड कर लिया, ये अब हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है ठंडा। और गाइज ये ज़रूर ध्यान दें कि चीज़ ऐड करने से पहले आपकी स्टफिंग जो है ठंडी हो जानी चाहिए। और अब देखो ये हमारा डो प्रिपेयर हो गया है, कितना सॉफ्ट सा, और देखो फूल गया है ना, कितना सॉफ्ट सा हो गया है। अब हम इसकी बना लेंगे चपाती। दोस्तों ध्यान रखें, चपाती ना आपकी बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही बहुत पतली हो, इसका ठीक सा ये देखो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा मैंने इसकी कितनी मोटाई बनाई है। और ये आप इसको स्क्वायर उसमें कट कर लेंगे, मेरे पास पिज़्ज़ा कटर भी नहीं है, मैं चाकू से ही कर रही हूँ। और आप ये देखो, मैंने, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने एक हिस्से को की चौड़ाई कम कट की है और एक हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। ये मैंने चीज़ थोड़ा स्प्रेड कर लिया है एक्स्ट्रा चीज़ इसमें लाने के लिए, और अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ मेरी स्टफिंग। और गाइज ये आप सेंटर में स्टफिंग करें, साइड से किनारे इसके छोटे छोटे वाले हिस्से पे इसकी स्टफिंग, और साइड में पानी लगा दें जिससे कि आपकी सीलिंग इसकी पफ की अच्छे से हो जाए। गाइज ध्यान रखें, अगर आप इसको बॉईल करते वक्त अगर आपका खुल जाएगा तो सारी स्टफिंग बाहर निकल आएगी और आपका पफ जो है कि खराब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से, ये मैंने फोक की हेल्प से और पहले हाथ से दबा के दबा दिया है, तो ये क्या है कि इससे इसमें डिज़ाइन सा भी बन गया और इसकी सीलिंग अच्छे से हो गई है। ये मैं अब इस एक कढ़ाई में ले रही हूँ ऑयल फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसमें, ये देखो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ पफ बना के, वही मैं थोड़ा इसमें चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ और सेंटर में वही हम इसकी कर लेंगे स्टफिंग। गाइज एक बार बनाने में हो सकता है आप शुरू में बनाएंगे थोड़ा सा आपसे ठीक नहीं बनेगा, बट टेस्ट तो ठीक आएगा, शेप नहीं भी आएगी तो, बट एक दो बार बनाएंगे और आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं भी ऐसे सीख रही हूँ, ये देखो ठीक से चौकोर बन गया है, और इसको भी हम फोक की हेल्प से सील कर देंगे अच्छे से ताकि ये खुले ना, और हल्का सा ऐसे ही थोड़ा डिज़ाइन सा भी आ जाएगा तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा ये। अब हम, और ध्यान रखिए कि आप बहुत सिम को यहाँ पर हाई ना रखें, उससे क्या होगा आपका पफ बाहर से जल जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से आटा, अंदर वाली जो लेयर है वो कच्ची रह जाएगी और कच्चा मैदा
इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि हम इनको हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे और सारे हम इनको निकालेंगे एक टिश्यू पेपर ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो ये गाइस बनकर मेरे रेडी हैं पफ, और प्लीज़ आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपकी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, टेक केयर, अपना ध्यान।